देखो भाई कि सवाल कह रहा है, एक रोड रोलर है और रोड रोलर 1000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है टू लेवल अ रोड। एक रोड को लेवल करना है, कोई भी एक रोड है उसके लिए रोड रोलर को 1000 रिवॉल्यूशन चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी पहिया जो है वो कैसे कितने बार घूमता है, 1000 टाइम्स। अब देखिए जो पहिया होता है, जो व्हील होता है, जो व्हील ऑफ रोड रोलर कैसा होता है भैया, इज सिलेंड्रिकल। कैसा होता है, तो सिलेंडर के शेप का होता है, तो कुछ यूं ऐसे उसके में, और ये आपका गोलाकार, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसा मान लो पहिया। तो ठीक है ना, अब ये घूमता चला जाता है। तो देखो भाई, कोई भी अगर सर्किल है, मान लो ये सर्किल है, मान लो ये सर्किल है, पहिया है, साइकिल का पहिया है, तो अगर इसको आप सीधा यहां से काट के ऐसा सीधा बिछा दो तो ये हो जाएगा, या इसको आप इस शेप में दे दो तो ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब इसे केवल इतना है कि एरिया पूरे पहिए का, पूरे पहिए का जो एरिया होगा, हमेशा याद रख लो, अगर समझ में ना आए तो याद रख लो, जो पहिए का एरिया होता है वो एक राउंड जितना मारेगा, पूरा पहिया जब घूम लेगा, ये मान लो पहिया है, ये रोल बेल, ये क्या है, ये बिल्कुल ऐसी शेप में होता है, होता है। तो अगर हम एरिया की बात करें, तो एरिया की बात करें, ये पहिए का जितना, इतना पूरा जो सर्किल लगाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक चला, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो इसका, ये जो सरफेस दिख रहा है, जो कि लैटरल सरफेस है, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो लैटरल सरफेस, ये लैटरल होता है, अगर ये भी निकालने पड़े तो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो पहिया जो एक राउंड मारेगा वो उसके लैटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा, तो जितना पहिए का लैटरल सरफेस होगा उतना पहिया एक राउंड मारने पर उतना एरिया कवर करेगा, ये बात दिमाग में बिठानी है। पहिए के एक राउंड में अपने लैटरल एरिया के बराबर का एरिया वो कवर करेगा, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो बस, तो पहिए का शेप कैसा है फिर से देख लो, कुछ रोड रोलर का पहिया ऐसा होता है, तो ऐसे रख दे तो सिलेंडर जैसा शेप है, सिलेंड्रिकल, तो ठीक है। तो भाई साहब, लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRh, ठीक है, 2πRh लेटरल सरफेस एरिया है किसका, पहिए का, यानी कि पहिया एक बार घूमेगा तो इतना एरिया कवर करेगा, और पहिया घूम कितना रहा है, तो इसी में 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1000 बार वो घूम भी रहा है। तो देखो पाई की वैल्यू रखिए, 22/7 रेडियस गिवन है 42, हाइट भी गिवन है 50 एंड 1000, 7 से ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 6 टाइम्स, तो 22 2 = 44, 6 5 = 30, और 10 पहले से ही है, इनटू 1000, ठीक है। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12 3 4 = 12 13, अब 0 कितने, 2 यहाँ 3 यहाँ, 1 2 3 4 5। अब यूनिट किस में दी है, सेंटीमीटर में, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, हाँ, तो ये हो गया एरिया ऑफ द रोड, ठीक है ना, अंडरस्टूड, बहुत सही, शाबाश। अगला सवाल